अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रधाला ओवर ब्रिज के नीचे, सिवान। एमएलसी चुनाव के लिए आज सिवान के सभी प्रखंडों में बनाए गए मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। बता दें कि सिवान से एमएलसी चुनाव में कुल 8 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और आज सुबह से ही लगातार वोट डाले जा रहे हैं। सिवान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किया हुआ है और जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे और सिवान SP शैलेश कुमार सिन्हा लगातार अलग बूथों पर पहुंचकर खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में अभी सिवान जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे अपने पूरे दलबल के साथ हुसैनगंज पहुंचे हुए हैं और मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। ये सीधे तस्वीरें हम आपको सिवान के हुसैनगंज से दिखा रहे हैं, जहां सिवान DM अमित कुमार पांडे और सिवान SP शैलेश कुमार सिन्हा पहुंचे हुए हैं। बता दें कि इससे पहले MLC उम्मीदवार रईस खान भी सिवान के हुसैनगंज पहुंचे हुए थे और मतदान प्रक्रिया का जायजा ले रहे थे। आज सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू है और शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 7 अप्रैल को चुनाव के नतीजे आएंगे। न्यूज़ इंडिया तक के लिए हुसैनगंज से साजिद हुसैन की रिपोर्ट।